सर आप स्टाइल आइकन भी थे और बहुत सी लड़कियों का क्रश भी थे भाभी से पहले, तो उस टाइम का कोई इंटरेस्टिंग वाक्या किसी फैन का जो आपको अभी तक नहीं? आपको अच्छा नहीं लग रहा कि शादी कामयाब चल रही? ये बदला लेने को किसने बोला? आज की अपनी हरकतें सवार ले, वो माजी ले आई। अच्छा चले सर, सर नादान है, बच्ची है, पूछ लिया उसने तो दे दे जवाब, जवाब दे, बता दे। चले दे दे। भाभी ये पहले की बातें हैं, आप भी ना गुस्सा कीजिए। पुरानी बात। हाँ जी। बता दे। नहीं कई दफा तो ऐसी आपकी जिंदगी में पानी पीले, पहले पीले पानी। भाभी एक तो बहुत सीरियस और फनी भी। मुझे पीसीबी से फोन आया कि यहाँ पे एक दुल्हन बन के लड़की आ गई है और कह रही है कि आके उससे शादी करके ही जाऊंगी। यानी वो तैयार हो गया ही? हाँ जी, वो फिर मुझे जाना पड़ा और वो वाकई पूरी दुल्हन बन के वो आ गई। मैं कह जी मैं क्या करूँ, कहती मैं तो नहीं जाऊंगी अब घर, मुझे तो मार देंगे, मुझे से शादी करो। ये किस सन का वाक्य है सर? ये कंसन का मेरा गल। गल। ए गल कंसन जी खत्म हो गया ना मेरे से। ए वही लड़की है तुम्हारी मोहब्बत ने कटिंग करा ली। देखो देखो आज भी इन्होंने ब्राइडल रेड पहना हो। आपके पास बहुत से एजाज हैं, बहुत से, लेकिन हमने सुना है आपके पास एक और एजाज भी है कि जिस कैंप में शेखुपुरा आप खेलते रहे, चाहत फतेह अली खान भी इनके साथ खेलते रहे हैं। इस बात पे तो रोशनी डालिएगा सर, कैसे थे वो? थे तो 3-4 साल 5 साल बड़े ही, लेकिन बचपन में भी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। क्या मतलब? लाइक मिट्टी खाते थे? मिट्टी खाने के बराबर ही है। अजीब से कपड़े पहन के, कॉबॉय हैट पहन के नेट पे आ जाना। ओह, कई दफ़े ऐसे लड़कियां आ रही होनी, तो राणा साहब लड़कियां आ रही हैं तो उसने मुंह में फूल डाल के सड़क पे लेट जाना। बड़े ऊट पटांग हरकतें करते लड़कियां, तो ये टैलेंट इस लेवल पे जाएगा ये कभी नहीं सोचा। अब गाना वाना नहीं गाते थे? तो अब गाते हैं। ऐसे भी नहीं गाते थे यानी? नहीं नहीं। मैम यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी यंग गर्ल्स, तो जितने भी अनमैरिड गर्ल्स हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कामयाब शादी और जिंदगी का यही राज होता है कि अपनी पेस को स्लो रखें, और दूसरा ये है कि मोहब्बत शादी इन चीज़ों से बढ़कर आजकल अपनी तालीम और करियर को पहले बनाइए, और शादी और इन चीज़ों को लाइफ में लेट करिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात, क्या बात। कहते हैं, सुनने में आया है कि शायरी मोहब्बत से शुरू होती है और उसकी जो पुख्तगी है वो दर्द से आती है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। शायरी वो इंसान कर ही नहीं सकता जो सेंसिटिव ना होए और जिसके अंदर दर्दे दिल बेइंतहाई ज़्यादा ना पाया जाता हो। शायरी अदब की वो सिंफ है कि दुनिया का हर आर्ट सिखाया जा सकता है, दुनिया का हर फन सिखाया जा सकता है, लेकिन शायरी इंसान लेके पैदा होता है, शायर को बनाया नहीं जा सकता। क्या बात है, क्या बात है।